इस प्रॉब्लम में जो पूछा जा रहा है, टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर एम वन, सेकेंड फ्रॉम एम टू, मतलब यहाँ पे दो स्फेरिकल मिरर हैं, दोनों कॉनकेव हैं और उन जो मिरर्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर एम वन से 15 सेंटीमीटर पर है और वो कह रहे हैं कि पहला रिफ्लेक्शन इससे लें और फिर सेकंड रिफ्लेक्शन एम टू से लेके बताएं कि इमेज कहाँ बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मिरर वन के लिए काम करता हूँ। मिरर वन की जो मिरर वन की इमेज होगी वो सेकंड वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, इमेज नहीं पता वी वन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसका -15, क्योंकि इससे जो इंसिडेंट रेज होंगी वो ऐसे होंगी तो डिस्टेंस मेजर्ड ऑपोजिट टू इंसिडेंट रेज नेगेटिव लिख दिया। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ इज नेगेटिव। इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर मतलब इमेज कहीं इस तरफ बन रही है, तो पहली बात तो ये रियल हो गया। अब इमेज बताओ, इन दोनों मिरर्स के बीच में डिस्टेंस 20 है, 30 पे बन रही है, मतलब इमेज यहाँ बन रही है। दिस इज द फर्स्ट इमेज, ये 30 है तो ये कितना हो गया 10। तो मतलब रेज ऐसे रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ पे जाके क्योंकि रियल इमेज है तो रेज क्या कर रही होंगी ऐसे करके कन्वर्ज। अब ये जो है एम टू के लिए एक ऑब्जेक्ट हो गया और वो भी कैसा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल। इमेज निकाल रहे हैं, इंसिडेंट रेज इस पे ऐसी हैं तो दिस डिस्टेंस इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। सॉल्व करेंगे -5, माइनस मतलब यहां पे कहीं, और वो एक रियल इमेज है क्योंकि मिरर के सामने बन रही है। ये तो पहला पार्ट हो गया, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज एंड द टोटल मैग्निफिकेशन। टोटल मैग्निफिकेशन के लिए कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्निफिकेशन। फॉर्मूला लगाएंगे पहले, वी वन -30 था, यू वन इज -15, V2 is -5 and U2 is +10. This is -2. So the magnification is -1. इसका मतलब जो final image है वो inverted है क्योंकि magnification negative आ गया। मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज कहीं नीचे बन रही है। इज इट क्लियर? तो ये मैग्निफिकेशन आ गया।